नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आए हैं श्यामा पॉपुलर नर्सरी में और आज हम इन किसान की मेहनत को आपको दिखाएंगे कि ये कितना हार्ड वर्क करता है। श्यामा पॉपुलर नर्सरी ये आप देख सकते हो सामने। और अभी जो किसान भाई है वो फील्ड में गए हैं, तो कुछ किसान भाई बोलते थे कि हमें पॉली बैग के हैं वो पेड़ चाहिए, मतलब पॉली बैग की ही स्पेशली पेड़ चाहिए। तो ये देख सकते हो श्यामा पॉपुलर नर्सरी पर ये सुविधा उपलब्ध है। ये सामने देख सकते हो श्यामा पॉपुलर, श्याम लाल सैनी जी ने जो है पूरे के पूरे जो पॉली बैग है वो भर कर तैयार कर दिया है। ये देख सकते हो आप कितना इनमें मेहनत करनी पड़ती है। ये देखो जो पॉली बैग है वो इस तरह से तैयार होते हैं। ये जो पेड़ है, जो मान के चलो आप ये कलम है, वो तो अभी जो खेत में जो है लग रही है, कटिंग कर कर जो वो लग रही है। लेकिन जो ये पॉली बैग होता है, जो पॉली बैग के पेड़ होते हैं, ये आप मान के चलो अप्रैल के महीने में जो है ये लगते हैं, इससे 2 महीने बाद लगते हैं। और कहीं ना कहीं जो है इन पेड़ों का जो है 19-20 का जो फ़र्क है बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है इनका भी। जो किसान भाई कई वर्षों से इनको लगाते आ रहे, तो उन्होंने हमें बताया कि जो इनका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहता है। देखो किसान भाई है, मेरे रिजल्ट बताते हैं, ऐसे नहीं पता लग सकता। तो वो बोल रहे थे कि जो है इनका रिजल्ट है बहुत अच्छा है, इनका भी वैसे दोनों का रिजल्ट अच्छा है, आप कोई सी भी लगा सकते। और किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं कि जो इसमें खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा आता है। देख सकते हो आप कितने लेबर कॉस्ट का। आप पहले तो आप इसको पोलोथीन को देखो कि ये पोलोथीन में आया, इसमें जो है मिट्टी भरनी पड़ती है, फिर एक एक में मिट्टी भर के एक एक कलम लगानी पड़ती है, और फिर कलम का मतलब कि पूरे 2 महीने तक इसको मेंटेन करना पड़ता है। 2 महीने यानी जो दूसरी कलम उसको डायरेक्ट खेत में लगा दिया जाता है, लेकिन जो है इसको 2 महीने तक देख सकते हो आप एक एक कितनी बढ़िया सीरीज में इनको रखा गया है। फिर इसकी देख रेख भी करनी पड़ती है, घास भी इसमें से निकालना पड़ता है, खरपतवार उसको भी निकाला जाता है। और आप देख सकते हो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कितना इसमें काम किया है श्याम लाल सैनी जी ने। और अभी मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ। ये देख सकते हो आप सामने, ये इन्होंने जो है वो पेड़ भी लगा रखे हैं। जो आप पॉली बैग के पेड़ लेना चाहते हो तो पॉली बैग के पेड़ यहाँ पर मिलेंगे आपको। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो सामने, ये देखो ये पेड़ इसलिए है किसान भाइयों, मैं आपको बता दूँ कि कई बार क्या होता है कि जो किसान भाई है अभी उसने जो है आप मान के चलो फरवरी मार्च में उसने पेड़ नहीं लगाए, और यदि किसी किसान भाई का मन बन गया कि मैं तो अप्रैल के महीने में पेड़ लगाना चाहता हूँ, तो उसमें बेनिफिट क्या होगा, तो वो इन पेड़ों को लेकर वो लगा सकता है अपने खेत में। ये देख सकते हो आप यहाँ से बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, तो किसान भाई यहाँ से पेड़ों को लेकर अपने खेत में अप्रैल के महीने भी लगा सकता है। और कई बार क्या होता है किसान भाई के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो है अपने पेड़ है उनको ऐसे बैग में पाकर रख सके, मतलब कि पेड़ होता है। तो कई बार क्या होता है, कई बार किसान की लापरवाही की वजह से या नेचुरली प्रॉब्लम होने की वजह से जो पेड़ हैं वो काफ़ी मात्रा में खेत में सूख जाते हैं, और पेड़ सूखने से क्या होता है किसान भाई को नुकसान हो जाता है। और उस नुकसान से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, आप इन पेड़ को देख सकते हो, जो ये पेड़ आए हैं अच्छी क्वालिटी 109 और 110 के वैरायटी के पेड़ हैं वो लगाए हुए हैं। वैसे ये पेड़ पॉली बैग के भी हैं और सिंपल दूसरी नर्सरी के भी हैं, दोनों तरीके के जो पेड़ हैं वो यहाँ पर वो मिल रखे हुए हैं। और जब किसान भाई के पेड़ सूख जाता है तो यहाँ से खरीद कर पेड़ को वो अपने खेत में लगा लेता है। इससे क्या होता है कि वो उस नुकसान से बच जाता है। मान लिया आपका पेड़ जो अप्रैल या मई के महीने में सूख गया, तो इनके जो पत्ते वो आ जाएंगे, और पत्ते आने के बाद आप इसको यहाँ से लेकर और वहाँ पर लगा दो, तो जो उसका रिजल्ट है वो जैसा आपका नॉर्मल पेड़ है उसका रिजल्ट है उसके साथ का ही रहेगा, यानी आपको नुकसान नहीं होगा। नहीं तो आप क्या होता है जो अगले साल पेड़ को लगाते हो तो उसका रिस्पॉन्स है वो ना के बराबर रहता है। ना के बराबर का मतलब है कि वो ग्रोथ नहीं कर पाता अच्छी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है कितना ज़्यादा खर्चा यहाँ पर किया, श्याम लाल सैनी जी ने बहुत अच्छी जो इनको नॉलेज नर्सरी की वो है। तो आप इनसे
नर्सरी के बारे में संपर्क जरूर करें। यदि आपको लेनी है तब भी, और कोई इनसे सवाल जवाब पूछना है पेड़ के बारे में, तब भी आपकी जो हेल्प वो करेंगे। और देख सकते हो सामने जो इनके जो खेत हैं उनसे, उसमें से नर्सरी लगभग जो है वो पट चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी की पूरी सी नर्सरी है वो पट चुकी है, और अब यहाँ पर वो नहीं आया तो हम ऐसे हम देखते हैं, जो मिलते हैं तो उनको वीडियो हम ज़रूर लाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर बताना। धन्यवाद किसान भाइयों। किसी प्रकार से आप नर्सरी लेने के लिए इनसे संपर्क जरूर कर सकते हो। ये देख सकते हो आप सामने इनकी ये नर्सरी लगी हुई है, ये देख सकते हो अभी पाट दी गई है पूरी की पूरी नर्सरी खेत में से, और कुछ रह भी रही है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो यदि आपको इनसे लेना है। बकायदा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को, आपको जो इनकी नर्सरी है उस पर इस प्रकार से देख सकते हो आप सामने, ये ज़रूर मिलेगा। ये चीटा है जो श्यामा पपरल नर्सरी की जो है वो इस नर्सरी की मतलब कि असलियत की वो है कि जो कहते हैं उसको प्रमाणिकता, श्यामा पपरल नर्सरी की जो पहचान है, ये देख सकते हो स्पेशली चिट और फ़ोन नंबर इस पर वो मेंशन किया हुआ है किसान भाई ने। तो आप इनसे संपर्क ज़रूर करें। धन्यवाद।